हेल्थ प्लस पॉइंट तुहाड़ा सब का स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं अकाल आई होस्पिटल एंड लेजी क्लेजर सेंटर जो कि 606R मॉल रोड मॉडल टाउन जलंधर विखे स्थित है। अखां दे मरीजां लई इह हस्पताल एक वरदान है। अकाल आई होस्पिटल विखे अज दे टाइम दी हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। दूरों दूरों मरीज इत्थे पहुँचते हैं तो अपना इलाज करवाते हैं। साई टीम ने डॉक्टर साहब नाल गलबात की जिन्हां ने सानूं अकाल आई होस्पिटल एंड लेजी क्लेजर सेंटर बारे विस्तार नाल जानकारी। आओ लैके चलते हैं तुहानूं अकाल आई होस्पिटल एंड लेजी क्लेजर सेंटर जलंधर। दर्शकों हेल्थ प्लस प्रोग्राम से तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हाँ अखां दे बीमारियां दा इलाज करन वाले उस डॉक्टर कोले जिन्हें अपनी सारी जिंदगी इह सेवा चलाई है। साडी मुराद है डॉक्टर भौराई दे नाल जिन्हां ने रात दिन की परवाह किए बिना उस समय के उपर जदों अखां दे बहुत घट डॉक्टर जलंधर में सीगे उदों तों अपनी सेवावां शुरू कीतियां और अज एक ब्रांड बन के केवल पंजाब हिंदुस्तान च नहीं सारे वर्ल्ड च इन्हां दा नाम है। अकाल आई होस्पिटल दे नाम दे नाल जिहड़ा हैगा इन्होंने इस ब्रांड में जोड़ा है दुनिया के चमकाया। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। धन्यवाद जी बहुत बहुत तुहाडा पंजाब प्लस का तुहाडे राही लोगों तक मैं पहुँच सकता जब इसलिए मैं तुहाडा बहुत बहुत तुहाडी टीम का बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब वह समा जो तुम अपनी प्रैक्टिस शुरू की और जो अंधेपन के लिए सारी दुनिया लगी हुई सी हरेक बंदा कहता सगा भी अखा तो कोई इन्ना नहीं होना चाहिए। लोग ऑपरेशन कराते और कला अखा का ही लोगों को पता होंगे सी बीमारियां ज़्यादा अखा दी की कहना चाहोगे कि वह समा और अज का समा जो कि अज इन्नी नवी नवी टेक्निक्स आ चुकी इन्ना क चेंज आ चुकी है कि कहना चाहोगे। ये बहुत तब्दीली आई आ जो मैं समझा कि एक्सप्लेन करना ही मुश्किल हो गया कुछ जो मैं शुरू की सर्जरी उदो एक वड्डा सारे चीरे चो अख चो असी लैंस कट के बाहर मारते तो कोई लैंस नहीं सी पाते तो बड़ी मोटी सारी एनक लगानी पैंती सी मरीज में चिट्टे मोती की गल कर रहा मैं और चेहरा बड़ा भद्दा जहा लगता सी डिस्टॉर्टेड इमेजेस होंगे सी और चंगी नज़र नहीं होंगी। उतों सफर शुरू करके अज असी मरीज को पता भी नहीं लगन देंगे और एक छोटा एक एक एम एक एम एम मतलब पता ना पिन पिन मारन दे बराबर ही होया वो चिट्टा मोती कट के लेंस ऐसे आ गए जिहड़े विचों चले जाते हैं और तुहानूं सिर्फ कुदरती नज़र नहीं देंगे यूथफुल विजन असी कहने यूथफुल मीनस फिर जिदा कोई जवान बंदे की नज़र होंगी उ नज़र बना दें जी रात को भी ठीक दिखाती है दूर भी दिखाती है नेड़े भी दिखाती है और विचकार भी दिखाती है और इस विधि में असी अजक एनक उतारने भी वरत रहे हैं। इन्होंने लोगों दमर ज़्यादा है उन्होंने लेजर नहीं हो सकती असी उन्होंने लेंस पा के जेडे कि दूर नेड़े विचकार की नज़र दे सकते हैं उन्होंने कुदरती लेंस कट के वो लेंस पा दें बहुत छोटे चीरे में और उस वेल तुम तीन तीन नज़र मिल सकदियां ने। एडा लंबा सफर चिट्टे मोती का ही है। इस तो इलावा तो होर बहुत सारिया तकनीक आई ने एनक उतार तकनीक आई ने इन्नी वधिया वधिया हर नंबर में प्लस नंबर प्लस माइनस नंबर स्टिगमेटिज्म फिर अखा चेहरे को सुंदर बनाना किसी ने कोई ख्याल ही नहीं होंदा जिहड़ियां अखां बिल्कुल खराब हो जांदियां सीआं बच्चे स्कूल नहीं सी जा सकते अपने आप नूं दुनिया च पेश नहीं सी कर सकते उन्होंने चेहरे असीं दोबारा सुंदर बनाते हैं तुहानूं पिक्चरां दिखाने बाकी स्किन के बच्चे जिहड़े भैड़ापन जिहड़ा सी उह बच्चे की नज़र वध भी जाती है और सीधी अक्स की जा सकती है। इस तों इलावा होर एक कोई अखां दी बीमारी नहीं जिहड़ी अकाल अखां दा अस्तर इलाज ना हुंदा होवे और ये तरक्की असी पिछले 1990 तो शुरू हुए असी होस्पिटल का स्टार्ट किया और सिख साहब ज्ञानी साधु सिंह भौरा साहब का जैसे श्री अकाल तख्त साहब उन्होंने याद मुझे होस्पिटल बनाया सी और अज तुसी अंदाजा ला लो 30-32 साल हो गया करदे आ लोगों की सेवा करते हैं और बहुत वड्डे वड्डे ऑपरेशन बहुत महंगे ऑपरेशन भी करते और गरीबों की सेवा भी करते हैं जिस को नहीं होते उदू असी भी कोई ना कोई तरीका लभ लें और इलाज करते हैं। अखा की हर बीमारी का इलाज अकाल अखा के अस्तर किया जाता है। डॉक्टर साहब ये जरा बूटा छोटा जहा लग्या 1990 सन च अज 2022 के शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुके हैं वो चीज़ा वो मशीनरी जी सब की वर्ल्ड तो लेटैसट मशीनरी होंगी है वो इस होस्पिटल इंस्टॉल होंगी है। इस होस्पिटल हर तरह के अलग अलग तरह के डॉक्टर्स ने तुम एज ए हैड का सेवा कर ही रहे हो वो अगर आप गल कर लिए उस बीमारी की जिदे नाल लोग अन्ने हो जाते थे जिदा लोगों को उदों पता चलता सीगा जो अन्नापन बिल्कुल करीब आ जाता सीगा और हेल्पलैस होंदे सी डॉक्टर्स भी और वह काले मोती तो भी तुसी अज निजात पा ली हैगी आ। अगर तुहानूं पता लग जाए कि काला मोती हैगा तो बंदे की नज़र आ जिहड़ी उहनूं अन्ना होण
तक नहीं तुसी जान देंदे और उनू उन्ना क बचा के रख लैंदे आ वी ओह देखदा रहे सारी जिंदगी। पहला जदों किसी नू कहा जांदा सी कि तैनू काला मोतिया था यह समझ आ जांदा सी कि इहने अन्ना हो जाणा, पर इह गलत गल है। हुण जे समय सिर असीं उहदा डायग्नोज कर लईए, ट्रीटमेंट कर लईए दवाइयां राहीं जां ऑपरेशन राहीं, तां उहदी बची हुई नज़र बच जाती है। काला मोतिया इस करके काला कहिंदे सी कि बदशगनी वाली बीमारी सी, पर जे उह बदशगनी नू असीं टाइम सिर फड़ लईए कदी ठीक हो जांदे ने। और अजकल जी सब तो वड्डी गल शूगर दे मरीज़ां दे जिहड़े पड़दे उहनां ते बुरा असर हुंदा आ, और उहदे नाल लोक अन्ने हुंदे सी। तुहानूं याद वी होवे इन्ने 20-30 साल पहलां जे कहिंदे शूगर दा मरीज़ आ वी इह वी अन्ना हो जाणा, अजकल बिल्कुल ठीक हुंदे ने, बिल्कुल ठीक देख सकदे ने। 40-40 साल दे साडे शूगर दे मरीज़ ने, 40-40 साल साडे को इलाज करवा रहे काले मोती दे मरीज़ ने, इसलिए घबराउण दी कोई जरूरत नहीं। पर मैं यही इत्थे सुनेहा देना चाहूँगा कि ये अपने घर बैठे अपना अंदाजा नहीं लाना चाहिए कि मेरे चिट्टा मोतिया हैगा, कोई नहीं कभी को कैंप लगेगा तो उस दिखा लाँगे, काला मोतिया भी हो सकता है और तरी अणगहली ना वो काला मोती मदद खत्म कर देनी है तो जवाब मिल जाना, जब चिट्टा मोतिया काला बन जाएगा। इसलिए तुसी अपना इलाज समय सिर करा लेना चाहिए, शुगर का इलाज कराना चाहिए, ब्लड प्रैशर ठीक रहना चाहिए, सिगरट नहीं पीनी चाहिए, शराब भी कोई चंगी चीज़ नहीं है। इन गलों तो बचा करा तो असं अपनी अखों का बचा कर सकते हैं। और एक होर नवी गल जी साड़ी लाइफ स्टाइल डिजीज है, जो कंप्यूटर्स ने बच्चों दिया छोटे छोटे बच्चों दैनक भी ला दतियाँ, व्डिया और छोटिया के ड्राईनेस खुशकी अखा की खुशकी बहुत ज़्यादा कॉमन बहुत हो गई है। इस करके वो भी सूँ ध्यान देना चाहिए, असी घट्टो घट जिन्ना जरूरत उन्ना आप यूज करिए। ए सी के बिल्कुल सामने ना बैठ पाइए बैठिए, ज़्यादा टैंपरेचर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा ए सी नहीं छूना होना चाहिए, दरख्त सानू लाने चाहिए आ, हवा नवी होनी चाहिए आ, तो बीमारी बीमारी जड़ तो खत्म करो। साड़ी खुशकी घट गई वध गई है तो नवी घट गई है, हवा के बिच असं दरख्त खत्म कर दते हैं। जे असी जिस तरह असं इस हस्ता करते हैं कि मरीज ऑपरेशन करें कि उन्होंने कहने 5 बूटे लाओ और कोई बूटे बच कई बार असं दिने तो वो बीमारी जी असी उस सब जड़ों खत्म करना चाहते, चोर मारो चोर की मान मारो, असं बीमारी खत्म जड़ों खत्म करना चाहते हैं। ये साड़ी अप्रोच चाहिए है, अदरवाइज कोई हर बीमारी का इलाज ऑपरेशन नहीं है, हर बीमारी का इलाज कोई दवाइया नहीं है, हर बीमारी का इलाज वह कारण लभ के वह कारण खत्म करना। जां मैं सब तो कहना मनुखता की सब तो वड्डी बीमारी है अज्ञानता। जिहड़े बंदे ज्ञानवान हो जाते हैं जिन्होंने समझ आ जाती है उन्होंने कोई ना लुट सकता, ना उन्होंने अखा खराब हो सकती है, ना उन्होंने पेट की बीमारी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान हो गया। तो अज्ञानता सब तो वड्डी बीमारी है और ज्ञानवान होना सूझवान होना वह इलाज है। दसा एक हॉस्पिटल जो NABH एग्रीगेटेड है, कि कहना चाहोगे कि उस समय के जो पिंड लोग आते गां की गां चेना बनिया, डॉक्टर साहब सारे वर्ल्ड के चेना पहुंची है, मेरा ख्याल नहीं भी कोई देश ऐसा होगा जिते ऑपरेशन करके मरीज नहीं अज अपन नवी जिंदगी पा रहे हैं। कि कहना चाहोगे कि वह सफर जो शुरू किया और दोनों सूझवान बेटे नाल भैन जी और सेवावान कीतियां और भौरा जी के नाम में चार चंद लाए। हाँ जी, असी एक परिवार ही हूँ ध्याई स्पैशलिस्टा के बन गए हैं। वैसे तो साडा प्रोफ चोकर का जिहड़ा वो मेरे पिता जी का चोकर तुहानूं पहले जिस टाइम कहा वो सबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब सी, 16 साल जथेदार श्री अकाल तख्त साहब रहे ने, तो सिंह साहब के समय दियाँ बहुत वड्डियां प्राप्तियां ने उन्हां दियाँ। पर हुण असी 6 परिवार के मैंबर हैगे आ, मैं मेरी घरवाली आ, मेरे 2 बेटे आ, दोनों दियाँ 2 वाइफ ने, 6 दे 6 असी आई स्पैशलिस्ट हाँ। होर साढ़े ना 3-4 डॉक्टर होर है जूनियर डॉक्टर असं ट्रेनिंग दिने, उन्होंने नवी तकनीक सिखाने तक लोगों का इलाज कर, ये तकनीक साढ़े को रह जाए मरना ही खत्म ना हो जाए, योगों का इलाज कर असी इलाज तो यह भी अभी बच्चे ट्रेन करिए लोगों का इलाज अगे कर, नहीं तो साढ़े नाल ही खत्म हो जाएगियाँ, तो असी कोई प्राप्ति नहीं है। जो 4 छिलड़ कमा रहे हो प्राप्ति नहीं, गांह अगली जनरेशन तैयार करनी चाहिए, वो भी असी कर रहे हैं। साडे विटियो रैटल सर्जन है, साडे को 7-8 डॉक्टर ने जोड़े सारे, और हर अखोलो प्लास्टिक बुरियां पैड़ियाँ अखा ठीक करनिया, एनका उतारनिया, चिट्टा मोतिया काला मोतिया स्क्विंटे सब का इलाज अकाल अखा के अस्पताल किया जाता। और असी ये कह सकते कि शायद कोई ऑपरेशन हो नहीं करते, हर ऑपरेशन असी कर सकते हैं और करते कर रहे हैं। दसो 30 साल का लंबा एक्सपीरियंस, पहला प्यो ने ऑपरेशन कराया होंगे, फिर पुत ने,
ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਭੋਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਭੋਰਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਰ। 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ 10 ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੰਟ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾ ਦਸਵੰਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸਵੈਚ ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਸਵੈਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਉਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੰਬਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੰਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਮ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਆਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਘਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਇਹ ਘਿਰਨਾ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਘਿਰਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਾ ਲਓ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਾਓ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਟਿਪਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭੋਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਦੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਈ ਜੋਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ
सब तो वड्डा विश्वास का रिश्ता है और खास करके डॉक्टर का तो है ही विश्वास का। तो जे असी विश्वास जो गुआ रहे लोगों का जोड़ा असं गुआई जा रहे हैं वैसे सब मैं ये भी कहूँगा नाल ही तो फिर साड़ी तो लोगों को बहुता फर्क ही लोग साढ़ा बड़ा आदर माण करते पर मटीरियलिज्म दुनिया जो पदार्थवाद आया उन्हें सब कुछ खराब किया। वो तो सू किसी हद तक डॉक्टरों तो घट्टो घट बच के रहना चाहिए पर मैं कहना वो डॉक्टर को वक्री चीज़ नहीं है ये भी कहना भी डॉक्टर भी उदा का उस सोसायटी में रहा है जिथे चोर भी है जिथे साध भी ने जिथे लोगों का इलाज मुफ्त करा आप घरों पैसे लेके भी आते जो लुट तरा घर वापस जाए लुट भी लेंगे ने सो वह हिस्सा आ। पर मैं फिर भी डॉक्टर साहबान भी ये बेनती करा तुम कुछ ना कुछ मनुखता के ज़्यादा नेड़े रहो डर सू समा देने और अपना कीमती समय छे टॉक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी एक बार फिर थोड़ी टीम का जिन्हों राही मैं लखों लोगों तक पहुँचागा और मैं समझा कि तुम सब आशीर्वाद देते रहोगे। धन्यवाद।